हेलो स्टूडेंट, मैं सुरेश गुजर। आज अपन पढ़ेंगे क्लास ट्वेल्थ फिजिक्स की यूनिट फर्स्ट स्थिर वैद्युतिकी को। ठीक है, यूनिट फर्स्ट स्थिर वैद्युतिकी। स्थिर वैद्युतिकी जो है वो वैद्युतिकी का एक पार्ट है। किसका पार्ट है? वैद्युतिकी। अब ये वैद्युतिकी क्या है इसको अपन देखते हैं। आवेश, आवेशों के गुण, प्रभावों तथा नियमों का अध्ययन भौतिक विज्ञान की जिस शाखा में किया जाता है उसे बोलते हैं अपन वैद्युतिकी। ठीक है, आवेश जैसे धनावेश, ऋणावेश, आवेशों के गुण जैसे अपन ने पढ़े हैं या छोटी क्लासों में पढ़ा भी होगा, है ना, या किसी टीचर ने बताया भी होगा कि समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं और विपरीत आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, है ना। ऐसे ही प्रभाव, जैसे आवेश जो होता है वह विद्युत क्षेत्र उत्पन्न कर सकता है, चुंबकीय क्षेत्र और ऊर्जा भी उत्पन्न कर सकता है, लेकिन वो अलग अलग कंडीशनों में करेगा। ठीक है, ये इसके प्रभाव है। और नियमों, जैसे अगर दो आवेश हैं, दो आवेश शों के बीच में अगर बल लग रहा है तो क्या होगा, उस बल को किस नियम से बताएं, इन नियमों का अध्ययन भौतिक विज्ञान की जिस शाखा में किया जाता है उसे क्या अपन बोलते हैं, वैद्युतिकी। अब अपन बात करेंगे वैद्युतिकी के भाग के बारे में। पहला है स्थिर वैद्युतिकी और दूसरा है गतिक वैद्युतिकी, जिसे अपन बोलते हैं धारा वैद्युतिकी। ठीक है, स्थिर वैद्युतिकी की अगर अपन बात करें तो स्थिर वैद्युतिकी में स्थिर आवेश, गुण, नियम तथा आवेशों के बीच अन्योन्य क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, अगर गतिक वैद्युतिकी की बात करें तो गतिक वैद्युतिकी में जो होता है गतिशील आवेश, गतिशील आवेश तथा इससे संबंधित आवेश से संबंधित गुणों का अध्ययन किया जाता है, अध्ययन किया जाता है। एक बात और यहां पर अपन थोड़ी सी जान लें तो क्या है वो, जिसे अपन नोट में पढ़ रहे हैं, नोट, स्थिर वैद्युतिकी का अनुप्रयोग। ए पॉइंट है स्थिर वैद्युतिकी के अनुप्रयोग। पहला है लाउड स्पीकर में, लाउड स्पीकर में, और दूसरा है माइक्रोफोन में, माइक्रो फोन में। अगला है बी, गतिक या धारा वैद्युतिकी के अनुप्रयोग। ठीक है, इसमें पहली बात अपन ये समझ लें कि गतिक वैद्युतिकी को अपन धारा वैद्युतिकी क्यों कह रहे हैं, ताकि अपन को यह समझ में आ जावे कि गतिक वैद्युतिकी या फिर धारा वैद्युतिकी का अनुप्रयोग क्या है। तो ध्यान रखना कि निश्चित दिशा में आवेश के प्रवाह की दर को अपन क्या बोलते हैं, विद्युत धारा। इस कारण गतिक वैद्युतिकी को अपन धारा वैद्युतिकी भी कह देते हैं। ठीक है, अब अपन जानते हैं विद्युत धारा का अनुप्रयोग कहाँ कहाँ है। तो पहला तो है घरेलू उपयोग में, घरेलू उपयोग में, जिससे टीवी, फ्रिज, पंखे चलते हैं, है ना, और दूसरा औद्योगिक उपयोग में, औद्योगिक उपयोग में। अभी तक अपन ने अध्ययन किया है ना वैद्युतिकी क्या है, वैद्युतिकी का पार्ट स्थिर वैद्युतिकी और गतिक वैद्युतिकी के बारे में। अब अपन बात करेंगे स्थिर वैद्युतिकी, स्थिर वेदु
ठीक है। पहले तो अपन ये जान लें कि स्थिर विद्युत का अध्ययन क्यों आवश्यक है ना। तो अगर आपको पता हो तो आपने छोटी क्लासों में या कभी ना कभी तो एक ऐसा देखा होगा या किया होगा कि जब अपन पेन या प्लास्टिक की किसी छड़ को सिर पर रगड़कर जब कागज के छोटे छोटे टुकड़ों के समीप ले जाते हैं तो वह प्लास्टिक की छड़ या पेन कागज के उन छोटे छोटे टुकड़ों को आकर्षित कर लेता है। अब ऐसा होता क्यों है उसका कारण अपन जानने की कोशिश करेंगे। जैसे अपन यहाँ पे देखेंगे भी सही कि किस प्रकार से एक प्लास्टिक की छड़ या पेन की रिफिल कागज के छोटे छोटे टुकड़ों को आकर्षित कर लेती है। तो स्टूडेंट्स, ये कागज के छोटे छोटे टुकड़े हैं, इन कागज के छोटे छोटे टुकड़े और ये कागज की, ये प्लास्टिक की रोड है, ठीक है। जब अपन इस कपड़े से इसको रगड़ते हैं, ठीक है, रगड़ने के पश्चात ऐसे इसको क्या कर लेंगे, अपन अच्छे से रगड़ लेंगे, ठीक है। रगड़ने के पश्चात जब इसको अपन इस छड़ को कागज के छोटे छोटे टुकड़ों के समीप लेकर आएंगे, सारे टुकड़े इससे क्या होने लग जाएंगे, चिपकने लग जाएंगे। ये घटना आपने देखी होगी, ठीक है। और कुछ समय पश्चात ये वापस गिरने भी लग जाते हैं, है ना। तो ये क्यों गिरते हैं, क्या है क्या नहीं है, इसका कारण भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन इस चैप्टर में थोड़ा सा आगे, ठीक है। तो एक बार और फिर देख लेते हैं किस प्रकार से ये कागज के टुकड़े प्लास्टिक की रोड से चिपकते हैं। देखो ये सारे के सारे चिपकने लग गए और फिर ऑटोमेटिक फिर ये क्या होने लग जाते हैं, गिरने लग जाते हैं, ठीक है। तो ये घटना आपने देखी होगी, लेकिन इस घटना का कारण आप जानते नहीं होंगे, लेकिन अपन इस चैप्टर में समझेंगे कि ये घटना क्यों होती है। एक बात मैं और आपको बता दूं कि स्थिर वैद्युतिकी जो है, स्थिर वैद्युतिकी में निम्न का अध्ययन किया जाता है, कौन कौन, एक तो विद्युत आवेश तथा विद्युत क्षेत्र, दूसरा है गाउस के नियम तथा इसके अनुप्रयोग, तीसरा है विद्युत विभव और चौथा है विद्युत धारिता, है ना। तो यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना, ये चैप्टर फर्स्ट, ये चैप्टर सेकंड, ये चैप्टर थर्ड और ये चैप्टर फोर्थ है, ठीक है। अब यहाँ पे ये आरबीएससी सिलेबस की बात कर रहा हूं मैं ना, एनसीईआरटी में तो इसको और इसको दोनों को मिला के चैप्टर फर्स्ट है, चैप्टर फर्स्ट, और इन दोनों को मिला के चैप्टर सेकंड है, ठीक है। तो यहाँ पे आरबीएससी की अपन बात करें तो चार चैप्टर में डिवाइड है, स्थिर वैद्युतिकी फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ। तो अपन अब स्टार्ट करेंगे क्या, चैप्टर फर्स्ट, चैप्टर फर्स्ट इसका नाम है विद्युत आवेश तथा विद्युत क्षेत्र, ठीक है। यहां पे एक बात अच्छे से ध्यान देने वाली है ना, कि विद्युत आवेश क्या है ना, चैप्टर का नाम है तो इसको विद्युत आवेश क्यों कह रहे हैं और क्षेत्र को विद्युत क्षेत्र क्यों कह रहे हैं। जैसे अपन धारा की बात करते हैं, धारा को विद्युत धारा क्यों कहते हैं, विभव, विभव को विद्युत विभव क्यों कहते हैं, धारिता, धारिता को विद्युत धारिता क्यों कहते हैं, और स्थितिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा को विद्युत स्थितिज ऊर्जा क्यों कहते हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट अपन देखेंगे कि ये विद्युत आवेश क्या है, विद्युत आवेश, ठीक है। अब यहां पे एक बात ध्यान देने की है, देखना, आवेशित वस्तुएं अपनी प्रकृति के अनुसार आकर्षित या प्रतिकर्षित होती है, यानी वस्तुओं में गुण होता है जिसके कारण वह आकर्षित या प्रतिकर्षित होती है, यह गुण विद्युत कहलाता है तथा इस गुण के कारण ही आवेश को क्या कहते हैं, विद्युत आवेश कहते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे थोड़ा सा और अपन देखें कि भाई विद्युत आवेश किसको कह रहे हैं, आवेश को, तो ये आवेश क्या होता है वो अपन देखें। आवेश पदार्थ का गुण है जिसके कारण पदार्थ विद्युत क्षेत्र कोमा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न कर सकता है तथा इन क्षेत्रों को अनुभव भी कर सकता है। एक डेफिनेशन तो ये होगी,
या फिर अपन ये कहते हैं कि किसी भी वस्तु वस्तु या परमाणु में, है ना, कुल इलेक्ट्रॉनों की अधिकता या कमी, कुल इलेक्ट्रॉनों की अधिकता या फिर क्या कहते हैं कमी भी क्या कहलाती है, आवेश। ठीक है, अगला टॉपिक है आवेश के प्रकार। तो आवेश दो प्रकार का है, एक तो धनावेश, धनावेश, और दूसरा है ऋणावेश। स्टूडेंट्स, अभी अपन ने देखा कि आवेश जो है दो टाइप के होते हैं, धनावेश और ऋणावेश। तो अपन थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं कि कैसे पता चला कि आवेश दो टाइप के होते हैं, धनावेश और ऋणावेश। तो ये कोई कांच की छड़ है, ये रेशम का कपड़ा, ये कांच की छड़, ये रेशम का कपड़ा। इन्हें कांच की छड़ों को रेशम से बिना रगड़े, यानी अपन रगड़ नहीं रहे हैं, तब अपन ने क्या किया, दो कांच की छड़ों को बिना रगड़े स्वतंत्रता पूर्वक समीप जब लटकाया, तो यहां पे ये देखा अपन ने कि न तो ये कांच की छड़ है एक दूसरे के समीप आ रही है और न एक दूसरे से दूर जा रही है। ठीक है, अब फिर इसके पश्चात अपन ने क्या किया कि अब अपन बात कर रहे हैं रगड़ने के बाद, रगड़ने के बाद। तो जब अपन ने क्या किया, कांच की छड़ को रगड़ा किसके साथ, रेशम के कपड़े के साथ, और इस कांच की छड़ को भी रगड़ा किसके साथ, रेशम के कपड़े के साथ। तो रगड़ने के बाद जब अपन ने इन कांच की छड़ों को, है ना, एक दूसरे के समीप स्वतंत्रता पूर्वक लटकाया, तो एक अजीब सा प्रभाव देखने को मिला। ये दोनों कांच की छड़ें एक दूसरे से ऑटोमेटिक क्या होने लगी, दूर जाने लगी। ठीक है, और इस दूर जाने को बोला गया प्रतिकर्षण, यानी एक दूसरे से दूर जा रही है, इसको क्या बोला अपन ने, प्रतिकर्षण। यानी यहां पे क्या होने लग गया, प्रतिकर्षण, क्या होने लग गया, प्रतिकर्षण। ठीक है, अब फिर क्या किया गया, एक एबेनाइट की छड़ ली और दूसरा पदार्थ लिया अपन ने फर, इधर एबेनाइट की छड़ और पदार्थ अपन ने क्या लिया, फर, यानी जिसके साथ अपन रगड़ना चाहें वो पदार्थ अपन ने क्या लिया, फर। तो रगड़ने के पहले की जब अपन बात करें तो बिना रगड़े इन एबेनाइट की छड़ों को स्वतंत्रता पूर्वक एक दूसरे के समीप लटकाया, तो न तो ये छड़ें एक दूसरे के समीप आई और न एक दूसरे से दूर गई। ठीक है, लेकिन रगड़ने के पश्चात, अब रगड़ने के पश्चात, रगड़ने के पश्चात अपन ने क्या किया, एबेनाइट की छड़ और अगली एबेनाइट की छड़ जिसको अपन ने किसके साथ रगड़ा हुआ है, फर के साथ। दोनों ही एबेनाइट की छड़ों को काई के साथ अपन ने रगड़ा हुआ है, फर के साथ। ठीक है, तो रगड़ने के पश्चात जब इन दोनों को एक दूसरे के समीप लटकाया तो ऑटोमेटिकली ये छड़ें भी एक दूसरे से क्या होने लगी, दूर जाने लगी, यानी इनके बीच में क्या होने लग गया, प्रति कर्षण। तो यहां तक तो ठीक था कि अपन किसी एक पदार्थ को दूसरे पदार्थ के साथ रगड़ रहे हैं तो दोनों दोनों पदार्थ एक दूसरे से क्या हो रहे हैं, दूर जा रहे हैं। लेकिन अजीब घटना कब हुई, तो हुई कब, जब अपन ने क्या किया कि कांच को तो रगड़ा रेशम के साथ और एबेनाइट को रगड़ा किसके साथ, फर के साथ। और जब अपन ने ऐसा करने के पश्चात एक कांच की छड़ को, एक कांच की छड़ और दूसरी ली एबेनाइट की छड़, इन दोनों को एक दूसरे के समीप स्वतंत्रता पूर्वक लटकाया रगड़ने के पश्चात, तो क्या होने लगा, ये दोनों छड़ें एक दूसरे के क्या होने लगी, समीप आने लगी, क्या होने लगी, एक दूसरे के समीप आने लगी। यानी इन दोनों के बीच में क्या होने लग गया, आकर्षण, आकर्षण। ठीक है, अब कांच की छड़ को रेशम से रगड़ा तो इस पर कुछ गुण आ गया होगा, है ना, इस पर भी कुछ गुण आ गया होगा, तो मैं इस गुण को नाम दे देता हूं ए, तो वो का वही गुण दूसरी वाली छड़ पर रहेगा, है ना।
अब यहां पे थोड़ी सी अपन बात देखें कि जब जो गुण इस पे है और वही गुण इस पे है तो दोनों के बीच में क्या हो रहा है, प्रतिकर्षण। लेकिन यहां पर देखो कि जो गुण कांच की छड़ पे है ना, और इन दोनों के बीच में क्या हो रहा है, आकर्षण। इसका मतलब ये हुआ कि जो गुण कांच की छड़ पे है उसका ओपोजिट गुण किस पे है, इस पे। तो यहां पे ये जो गुण है इस पे, इन दोनों पे क्या है, बी। अब दोनों पे समान गुण है तो क्या हो रहा है, प्रतिकर्षण। और दोनों पे, यहां पे भी समान है तो प्रतिकर्षण, और दोनों पे अगर ऑपोजिट गुण है तो क्या बोला गया, आकर्षण। ठीक है। अब बेंजामिन फ्रैंकलिन ने एक को तो नाम दे दिया धनावेश, और दूसरे को क्या नाम दे दिया, ऋणावेश। तो स्टूडेंट इस प्रकार से पता चला कि आवेश कितने प्रकार के होते हैं, दो, धनावेश और ऋणावेश। अब देखना, अगर दोनों धनावेश हैं, देखो यहां पे दोनों क्या हैं, धनावेश यानी ये पॉजिटिव और ये पॉजिटिव, तो दोनों के बीच में प्रतिकर्षण, ये नेगेटिव है ना, सॉरी यहां पे थोड़ा नीचे दर्शा दें अपन, है ना, ये नेगेटिव और ये नेगेटिव, तो दोनों के बीच में वापस प्रतिकर्षण। और जब एक पॉजिटिव और अगर एक नेगेटिव है तो दोनों के बीच में क्या हो रहा है, आकर्षण। ठीक है। यानी आवेश समान है तो प्रतिकर्षण, और आवेश अगर विपरीत है तो आकर्षण। ठीक है। इस प्रकार पता चला कि आवेश कितने प्रकार के हैं, दो, धनावेश और ऋणावेश। ठीक है। अपन ने देखा कि आवेश दो प्रकार के हैं, धनावेश और ऋणावेश। तो धनावेश और ऋणावेश की अपन डेफिनेशन लिखते हैं, तो किसी भी परमाणु या पदार्थ में इलेक्ट्रॉनों की कमी है तो अपन बोलेंगे धनावेश, और अगर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है तो क्या बोलेंगे, ऋणावेश। अब इसके कुछ एग्जाम्पल है, एच प्लस, एन ए प्लस, के प्लस, एम जी टू प्लस, ए एल थ्री प्लस। इसका मतलब जैसे एम जी टू प्लस की बात करें तो दो इलेक्ट्रॉनों की कमी, ए एल थ्री प्लस तीन इलेक्ट्रॉनों की कमी। ऐसे अगर अपन ऋणावेश की बात करें तो सी एल माइनस यानी एक इलेक्ट्रॉन की अधिकता, ओ टू माइनस यानी दो इलेक्ट्रॉनों की अधिकता, बी आर माइनस यानी एक इलेक्ट्रॉन की अधिकता, और आई माइनस यानी एक इलेक्ट्रॉन की अधिकता। यानी अगर अपन डेफिनेशन बनाना चाहें तो डेफिनेशन क्या बनेगी कि किसी भी परमाणु या पदार्थ में सामान्य अवस्था से अगर इलेक्ट्रॉनों की कमी है तो उसको अपन बोल देंगे धनावेश, और यदि किसी भी परमाणु या पदार्थ में सामान्य अवस्था से इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है तो उसको क्या बोल देंगे, ऋणावेश। अब अपन आवेश से संबंधित कुछ बातें देख लेते हैं। ध्यान रखना, यदि किसी वस्तु पर आवेश है, किसी वस्तु पर आवेश है तो उसे अपन बोलेंगे आवेशित वस्तु, और वस्तु पर यदि कोई भी आवेश नहीं है यानी क्यू इक्वल टू जीरो है तो उसको बोलेंगे अपन उदासीन वस्तु। यहां पे कुछ बात ध्यान दे लेना, जैसे किसी वस्तु को अपन, वस्तु को अपन क्या कर रहे हैं, धनावेशित, धनावेश दे रहे हैं, है ना, या धनावेशित कर रहे हैं। तो अपन ने पढ़ा है धनावेश की डेफिनेशन क्या है, इलेक्ट्रॉनों की कमी। तो इलेक्ट्रॉनों की कमी, अगर इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी तो द्रव्यमान, द्रव्यमान ये भी क्या हो जाएगा, कम। यानी अपन सीधा सीधा ये कह दें कि यदि किसी वस्तु को धनावेशित कर रहे हैं तो इलेक्ट्रॉनों की कमी के कारण उसका कुछ द्रव्यमान क्या हो जाएगा, कम। इसी प्रकार अगर अपन बात करें कि वस्तु जिसको अपन क्या कर रहे हैं, ऋणावेशित, तो ऋणावेश का मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन की अधिकता, इलेक्ट्रॉन की अधिकता, तो द्रव्यमान क्या हो जाएगा, द्रव्यमान क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। यानी अपन सीधा सीधा ये कहते हैं कि यदि कोई वस्तु ऋणावेशित है तो इलेक्ट्रॉनों की अधिकता के कारण उसका कुछ द्रव्यमान क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ठीक है। यहां पे कुछ बातें और ध्यान दे लेना कि जैसे द्रव्यमान जो है, द्रव्यमान की भांति आवेश अदिश राशि है, अदिश राशि है। ठीक है। इसके बाद कुचालकों पर आवेश एक ही स्थान पर एकत्रित रहता है जबकि चालक पर आवेश उसके संपूर्ण पृष्ठ पर समान रूप से फैल जाता है। अपन जानते भी हैं कि कुचालक आवेश के प्रवाह को अनुमति नहीं देते और चालक आवेश के प्रवाह को अनुमति देते हैं। यही कारण है कि कुचालक पर आवेश एक ही स्थान पर एकत्रित रहता है। ठीक है। जिस भाग पर अपन आवेश देंगे कुचालक के, उसी भाग पर रहेगा संपूर्ण, कुचालक पर नहीं फैलेगा। जबकि
चालक पर किसी एक भाग पर भी आवेश दें तो वह संपूर्ण पृष्ठ पर एक समान रूप से क्या हो जाएगा, फैल जाएगा।